नासा के बारे में 5 फुल फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं नासा के स्मेल एक्सपर्ट स्पेस में जाने वाली हर चीज सूंघते हैं? नासा का एक छोटा लैब स्निफर नियुक्त करता है जिसका एकमात्र काम होता है स्पेस में जाने वाली हर चीज को सूंघना। पृथ्वी पर हम आसानी से गंध मिटा सकते हैं महज एक खिड़की खोलकर, पर स्पेस में अगर प्याज जैसी गंध छूट जाती है तो वो वहीं पे रह जाती है, क्योंकि स्पेस में घुलने के लिए हवा नहीं होती। इससे एस्ट्रोनॉट्स बीमार पड़ सकते हैं और पूरे मिशन को नुकसान हो सकता है। ऐसी घटनाओं को रोकना ही स्निफर्स का काम है। क्या आप जानते हैं ISS जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रशियन सीखना जरूरी होता है? इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में मॉड्यूल्स और ऑपरेशंस रशियन में होने की वजह से वहां जाने वाले हर एस्ट्रोनॉट को रशियन भाषा आना जरूरी है। कई एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि रशियन सीखना उनके प्रशिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक अमरीकी इंस्टीट्यूट के अनुसार इंग्लिश बोलने वाले एस्ट्रोनॉट्स को ठीक ठाक तौर पर रशियन भाषा आने के लिए 1100 घंटे देने पड़ सकते हैं। स्पेनिश और फ्रेंच जैसी भाषाएं इसके आधे समय में सीखी जा सकती है। क्या आप जानते हैं नासा चांद से कचरा वापस लाने की कोशिश में है? अपोलो 11 से चांद पर मनुष्य के पहुंचने के बाद कई सारे एस्ट्रोनॉट्स वहां आ जा चुके हैं, और जहां मनुष्य है वहां कचरा है। वापस आते स्पेसक्राफ्ट का बोझ हल्का करने के लिए नासा ने लगभग 100 बैग्स भरकर मल मूत्र उल्टी और बहुत सारा कचरा चांद पर फेंका है। अब नासा वो कचरा वापस लाना चाहता है जिससे स्पेस में मनुष्य जीवन के सर्वाइवल, विकास और वृद्धि की जाँच कर सके। क्या आप जानते हैं मंगल पर जाने के लिए नासा पर मुकदमा चला था? 1997 में नासा पर यमन के 3 लोगों ने उनके ग्रह पर अतिक्रमण करने के लिए मुकदमा चलाया। उनका कहना था कि 3000 सालों से मंगल ग्रह पर उनके पूर्वजों का अधिकार है और उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं। जाहिर है कोर्ट ने उनका दावा अस्वीकार करके उन तीनों को जेल भेजने की चेतावनी दी, पर वो तीनों मानने से रहे। और तो और, उन्होंने मंगल की जमीन इन्वेस्टर्स को बेचने की कोशिश भी की। क्या आप जानते हैं स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा लंबे होते हैं? पृथ्वी के चक्कर लगाते एस्ट्रोनॉट्स यहाँ के विपरीत बहुत कम गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, अतः रीढ़ की हड्डी पर दबाव कम होने से वो खुल जाती है। रीढ़ की हड्डी को स्प्रिंग जैसा समझिए जो स्पेस में खुल जाती है, और एस्ट्रोनॉट्स की लंबाई 1 हाथ 2 इंच से बढ़ जाती है। उनकी लंबाई पहले सी हो जाती है जब वो लौट आते हैं। ये सारे फुल फैक्ट्स जानने के बाद अब वक्त हुआ है कुछ मिथ से पर्दे हटाने का, हमारे बोनस सेगमेंट फूफाम मिथ बस्टर में। क्या आप जानते हैं, अक्सर ये माना जाता है कि नासा ने स्पेस पेन का आविष्कार किया था जो 0 ग्रेविटी में भी लिख सकता है। ये सच नहीं है। स्पेस पेन का आविष्कार तो फिशर पेन कंपनी के फाउंडर पॉल सी फिशर ने किया था, जिन्होंने इसके लिए निजी तौर पर $1,000,000 से भी अधिक निवेश किया था। नासा ने तो दरअसल उनके लिए पेन का परीक्षण किया और फिर उनमें से 400 पेन खरीद लिए। और दिलचस्प बातें जानने के लिए देखते रहिए जीरो लाइज फुल फैक्ट्स।